हे गाइस, स्वागत है सबको और एक निबुने में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रियलमी 5, 5i और 5s डिवाइस में जनवरी मंथ के ये जो अपडेट रोल आउट किया जा रहा है, इसका फुल डिटेल्स रिव्यू आज हम इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आपके पास रियलमी 5, 5i या फिर 5s डिवाइस है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब कुछ बताऊंगा। अगर आपका डिवाइस में ये अपडेट अभी तक रिसीव नहीं हुआ तो कब तक आपका डिवाइस में ओटी के थ्रू ये अपडेट रिसीव होगा और इसके साथ आपको क्या कुछ न्यू फंक्शन देखने को मिल रहा है, कौन सा बग फिक्स किया जा रहा है, जो मल्टी यूजर फंक्शन वो अब इस अपडेट के बाद मिला या फिर नहीं मिला है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो गाइस, चलते हैं आज की वीडियो तरफ। लेकिन गाइस, वीडियो को बनने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस जाओ फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप मस्ट भी जरूर जगह चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको रोजाना इसी चैनल में देखने को मिल जाता है। तो गाइस, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, इसका ऑफिशियली पोस्ट आ चुका है तो फिलहाल चलते हैं पे रियलमी कम्युनिटी पे। तो फ्रेंड देखिए, ये रहा इसका ऑफिशियली पोस्ट जो आपको रियलमी कम्युनिटी पे देखने को मिल जाएगा, जनवरी 2022 अपडेट फॉर रियलमी 5i। और इसी तरह आपको 5i और 5s में भी देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, इसका आपको छोटा सा पोस्टर भी देखने को मिल जाएगा, रियलमी 5i ओटी चेंज लॉग। और नीचे में देखिए, इसका फुल चेंज लॉग वर्जन भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप RMX नंबर भी यहाँ पे देख सकते हो। सिक्योरिटी में आप देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेट डिसम्बर 2021 और जनवरी 2021 का आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा इस अपडेट के साथ। उसके बाद दोस्तों देखिए, जो हर एक अपडेट के साथ यहाँ पे लिखा जाता है, फिक्स सम नोन इशू एंड इंप्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी। एक क्यू लिखा जाता है, कुछ भी सिस्टम को इंप्रूव नहीं किया जाता है, कुछ भी सिस्टम को स्टेबिलिटी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हर एक अपडेट के साथ ये लिखा जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। दोस्तों, आप फिलहाल यहाँ पे देखिए, वर्जन अप टू डेट एंड्रॉइड 10 रियलमी UI। आप यहाँ पे RMX नंबर भी देख लीजिए, RMX 1900XEX। रियलमी 5, 5i और 5s डिवाइस में RMX नंबर है। और गाइस देखिए, इस अपडेट के साथ जो वर्जन रोल आउट किया जा रहा है वो है 11.C.79। और गाइस, इसका साइज लगभग 206 MB का था, मुझे ठीक याद नहीं। तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना अगर आपको अपडेट रिसीव हो चुका है, इसका साइज कितना MB का है। और गाइस, फिलहाल यहाँ पे चलते हैं फीचर्स की तरफ। तो फिर देखिए, इस अपडेट के बाद आपको बेसिक सा एक चेंज लॉग देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे तो चेंज देखने को नहीं मिलेगा, जस्ट आपको जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच है वही आपको अपडेटेड देखने को मिलेगा। और जो हर एक अपडेट के साथ लिखा जाता है, फिक्स सम नोन इशू एंड इंप्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, वही आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे चलते हैं फीचर्स की पेज की तरफ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, अबाउट फोन में अपडेट लॉग में आप फिलहाल यहाँ पे देखिए, सिक्योरिटी में एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच अपडेटेड डिसम्बर 2021 और जनवरी 2022। इसका मतलब आपको लेटेस्ट 5 जनवरी का सिक्योरिटी पैच दिया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा काम किया रियलमी ने, आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच दिया है। लेकिन उसके साथ साथ आपको देखिए, नीचे में आपको फिक्स सम नोन इशू एंड इंप्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, जो हर एक अपडेट के साथ बेकार सा लिखा जाता है, वही आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस अपडेट के साथ आपको कुछ भी बग फिक्स किया नहीं जा रहा है, कुछ भी न्यू फंक्शन देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो शायद ये रियलमी 5, 5i और 5s का लास्ट अपडेट होगा। तो रियलमी 5, 5i, 5s लगभग 2 ईयर से भी ज्यादा हो चुका है अपडेट कंटिन्यूअसली रियलमी दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये रियलमी 5, 5i, 5s का शायद लास्ट अपडेट है। आपको नेक्स्ट आपको अपडेट कोई देखने को नहीं मिलेगा, शायद सी कोई कंफर्म न्यूज नहीं है या फिर कोई ऑफिशियली न्यूज नहीं है, तो मेरा खुद का ओपिनियन है। और गाइस, यहाँ पे चलते हैं परफॉर्मेंस से, यहाँ पे देख लेते हैं इस अपडेट के बाद जो ब्लैगिंग इशू था वो यहाँ पे फिक्स हुआ या फिर नहीं। के बाद भी रियलमी 5, 5i डिवाइस में जो मेजर इशू था लैगिंग इशू, वो यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया है। आप फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, अभी भी आपको कुछ कुछ बफरिंग इशू जरूर देखने को मिल जाएगा, डिवाइस लैग हो रहा था और चार्जिंग के टाइम थोड़ा सा हीटिंग इशू भी आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, जो मेजर प्रॉब्लम था वो तो रियलमी ने फिक्स नहीं किया, बहुत दिनों से प्रॉब्लम हो रहा है रियलमी वाई अपडेट के बाद भी। रियलमी 5, 5i, 5s डिवाइस में जो लैगिंग इशू है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे अपडेट रिसीव हो चुका है, अभी तक जो लैगिंग इशू फिक्स नहीं किया गया है। अगर आप गेमिंग करते हो तो वहाँ पे आपको हीटिंग इशू भी देखने को मिलेगा, फ्रेम ड्रॉप का इशू भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आपको अपडेट रिसीव हो चुका है तो आप नीचे जरूर कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना आपका डिवाइस में लैगिंग इशू देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। उसके बाद दोस्तों देखिए, अगर सिस्टम एप्लीकेशन को बात किया जाए तो इस अपडेट के बाद आपको जो थीम स्टोर है उसका वर्जन भी आप फिलहाल यहाँ पे देखिए, उसका वर्जन है यहाँ पे देखिए गाइस 8.3.0 आपको लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा। गाइस, अगर आपका थीम स्टोर अपडेट नहीं हुआ है तो आप जस्ट थीम स्टोर एप्लीकेशन के अंदर जाना, वहाँ पे अपडेट का पेज आपको देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसको लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर सकते हो, या फिर आप मेरा ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल रियलमी ओप्पो सिस्टम एप्लीकेशन अपडेटर को ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे आपको इसका लेटेस्ट वर्जन का लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स
बॉक्स में सबसे ऊपर में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, इस अपडेट के बाद जो फोन मैनेजर एप्लीकेशन है उसका वर्सन भी आप फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए। तो गाइस यहाँ पे चलते हैं ऐप इन्फो में, इसका वर्सन देखिए 8.6.12 भी आपको पुराना वाला वर्सन ही देखने को मिल जाएगा। तो सिस्टम एप्लीकेशन पे यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है इस अपडेट के बाद। और गाइस देखिए, इस अपडेट के बाद जो मल्टी यूजर फंक्शन है वो भी अभी तक ऐड नहीं किया गया है रियलमी के तरफ से। मल्टी यूजर जो फंक्शन है वो आपको कभी भी रियलमी 5, 5x5s में देखने को नहीं मिलेगा। और गाइस देखिए, इस अपडेट के बाद आपको और कुछ भी न्यू फंक्शन देखने को रियलमी 5x5s इस अपडेट के बाद आपको एक मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। बहुत ही ज्यादा आपको ऐड देखने को मिल जाएगा कुछ इसी तरह। आप देखिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऐड देखने को मिल रहा है इस अपडेट को करने के बाद। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा मेजर प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला है ऐप नॉट इंस्टॉलिंग का। आप किसी भी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर को छोड़ के किसी अदर साइट से, क्रोम ब्राउजर से, किसी भी ब्राउजर से डाउनलोड करके अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग नहीं होगा। फिलहाल देखिए यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए जाओगे, यहाँ पे ऐप नॉट इंस्टॉलिंग का कुछ इसी तरह आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है मुझे देखने को मिला है इस अपडेट को करने के बाद। तो गाइस अगर आपका डिवाइस में प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और गाइस अगर आप इसी तरह इंटरेस्टिंग वॉलपेपर बनाना चाहते हो आपका डिवाइस के लिए, मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाओ वॉलपेपर का। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग वॉलपेपर आपको वहां पे देखने को मिल जाता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको ये अपडेट रिसीव हो चुका है तो आप नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर आपका ये अपडेट रिसीव नहीं हुआ तो आप टेंशन मत लेना, बहुत ही जल्द आपका डिवाइस में ओटी के थ्रू ये अपडेट रिसीव हो जाएगा। लगभग 2 वीक होता है उसके अंदर ही आपका डिवाइस में ओटी के थ्रू ये अपडेट रिसीव हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं और इतने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टाटा गुड बाय, जय हिंद।